दिलीप वर्सेस शारदा एथर स्टील सिटी देखिबो कि बिग फाइट पुणी हेबो कि शारदा बनाम दिलीप लड़ही। राउरकेला आसनरु बीजेपी टिकेट रे निर्वाचन लड़िबा पई पूर्वतन केन्द्रमंत्री दिलीप रायंक सजबाज स्वतंत्र विमान रे दिल्ली रु आसी राउरकेला रे पहुंची छंती दिलीप राय। विमान बंदर रे पहुंचिबा परे तंकु उच्छ्वसित संबर्धना दिया जायतिला। दिलीप राय कहिछंती काली बैठक अछि प्रार्थी हेबा न हेबा नै दल निष्पत्ति नेब मते लागुछि लोके मते जिताई सारी छंती। राउरकेला वासिंक प्रति मोर पातर अंतर नाही बोली से कहिछंती। राउरकेलारु तीन थर विधायक थिले दिलीप राय सेहिपरि बीजेडी टिकेट रे राउरकेलारु तीन थर विधायक होइछंती शारदा नायक एथर भी तंकु बीजेडी राउरकेलारु प्रार्थी करिछि। 2014 निर्वाचन रे दुहिंक भितरे कड़ा मुकाबला होइथिला प्राय 10,000 वोट व्यवधान रे जीति थिले दिलीप राय। सब प्रथम भाई भौणी माने जो माने आछंती खरारे तंकु धन्यवाद दउछि जे से मो पक्को आसी कि मोर हौसला बढ़ैछंती आउ मु भावी जो आटा अलरेडी जीति गलिया भाया लगला मत अलरेडी लोक मत जीते एनिवे एटा जोटा मुझे आटा जो इलेक्शन मुझ लड़ी पारे जो ऑनरेबल हाइकोर्ट कहलापर एटा आड़ा हाँ नवा इलेक्शन हम से पार्टी डिसाइड कर दिने दु दिन कहला जहाँ जो लड़बार अच्छी जहाँ लड़बार अच्छे से निर्देश राउरकेला भाई भौणी सागरें ना मोर के पातर अंतर अच्छी रिगार्डिंग पॉलिटिक्स से विजु जनता दल हो सीपीआई सीपीएम हो कांग्रेस हो समस्त मोर बहुत भल और भी से सब पार्टी लोक मो संगे भी बहुत क्लोज और बहुत भल एटा गोटे फैमिली रिलेशन भाया बिल्डअप कर पार्टी जहाँ डिसाइड कर दिने दिन रही जा संपर्क अधिक आलोचना करने आम सहित तो फोन लाइन जोड़ी होती सीनियर करेस्पोंडेंट प्रीतिकांत नायक। प्रीतिकांत राउरकेलारु दिलीप राय बीजेपी विधायक प्रार्थी होगा आपात स्पष्ट तांकर जो रिएक्शन तांकर जो प्रतिक्रिया से तार स्पष्ट आभास मिलू केवल गोटे घोषणा को बाकी रही एथर राउरकेला रे गोटे हाई वोल्टेज लड़े देखा मिले कि प्रीतिकांत दिलीप भर्सेस शारदा देखु विजु जनता दल मंत्री शारदा नायक को राउरकेला रु कैंडिडेट कर सारी कि भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट घोषणा करना आ भितर आज दिलीप राय एंट्री होती अर्थात जो सस्पेंस लगी रही था खूब शीघ्र परदा हटा को जा मैदान को ओल्लैबे दिलीप राय आज आपात तो स्पष्ट हो सारी जो मंतव्य रही राउरकेला पहुंचा पर उच्छ्वसित संवर्धना मिलवा दिलीप राय जो मंतव्य रही यह जना पड़ी खुब शीघ्र कैंडिडेट भाव में घोषणा हाक जाऊँ कि जेहेतु दल एटा घोषणा कर तेणु दल आसंता का बैठक बसुची बैठक बसला विधिवत भाव में जिते बी 35 आसन रही भारतीय जनता पार्टी घोषणा करते राउरकेला आसन टी घोषणा हम तक ना घोषणा विधिवत हबार जथेष संभावना रही तेणु से राउरकेलार एथर गोटे महा लड़े देखा मिलो कारण से शारदा नायक मंत्री कैंडिडेट होती एपटू भारतीय जनता पार्टी दिलीप राय कैंडिडेट हवा को अर्थात संबलपुर लोकसभा उपरे वर्तमान समस्त नजर रही कारण आपण जो देखिए सेठी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्सेस बीजेडी रो प्रणव प्रकाश दास को भीतर लड़े हो ठीक एपटे जदि आप देखिए राउरकेला दिलीप राय वर्सेस शारदा नायक हवा को तेणु ये जो लड़े हम ये लड़े उपर सारा राज्य नजर रही है सब गुरुत्वपूर्ण कथिकांत शारदा नायक कथा जी कह सी राउरकेलारु तीन थर विधायक होती दिलीप राय राउरकेलारु तीन थर विधायक होती बीजेपी रु थे पूर्व से जनता दल विधायक होते 2014 जिते दिलीप राय जीति शारदा नायक एगेन्स्ट से भोट व्यवधान 10,000 प्रायत 10,000 तो लागू छी एथरो भी गोटे कांटे का टक्कर हेबो बोली निश्चित भाव में आप देख उभय जिते स्टील सीट रे लड़े हबो कांटे का टक्कर गोटे देखा मिलो विगत दिन जो आप फलाफल रु या स्पष्ट जना पड़ी आरिथमेटिक जी आप देखिए गणित राउरकेला गणित को जी आप अनुधान करेंगे से जना पड़ी जी 2014 से 10,000 जीति दिलीप राय 10,000 अधिक भोट जीति 2019 शारदा नायक जी आप देखिए निहार राय गत थर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट होते से शारदा नायक जीति 10,000 ऊपर को तेणु से दृष्टिकोण आप देखिए ये गोटे कांटेका टक्कर हम किंतु कथा उठू आ भितर पूर्वरु राउरकेला और यही 5 वर्ष भीतर राउरकेला बहुत डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हकी क्षेत्र में अनेक किसी
सुंदरगढ़ हूँ हकीर एंतुड़ी छाड़ किंतु आपण राउरकेला वर्तमान सारा विश्व में परिचित यही हॉकी स्टेडियम सेठी हेइतिला आ हॉकी विश्वकप आयोजन हेइतिला विभिन्न कंट्री रु खेलाड़ी मैंने सेठी हॉकी खेल की जाइछन्ति विश्वकप हॉकी खेल आयोजन समय अन्यपटे आपण जे देखिबे सेठी एयरपोर्ट अनेक क्षेत्र ट्रांसफॉर्मेशन आसी राउरकेला रे तेणु ये जो विकासमूलक कार्य ये गोटे पटे मंत्री शारदा नायक सेठी कैंडिडेट होउछन्ति आउ ता ऑलरेडी प्रार्थी रहिछन्ति आउ ता सहित दिलीप राय आपण जानिछन् जणा अनुभवी और पुरुणा पुरखा नेता आउ तांकर जो अनुभव रही आउ तांकर जो राउरकेलार जो पकड़ रही विगत दिन देखीचु एथर कौन हम उभय जो शारदा आ दिलीप को भितर लड़ई हवाक तो आपातत जाऊँ किंतु ये जो लड़ईर कौन फलाफल आसो ये फला निर्वाचन गणति रु ही स्पष्ट हम किंतु एति कह पार गोटे दमदार लड़ई राउरकेलावासी ओडिशावासी देखिए जदि दिलीप राय सेठू निर्वाचन को ओल्लांती आज तक इंगित रु स्पष्ट जना पड़ी जे खूब शीघ्र भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट करू तेणु ये केवल से राउरकेला नुह सी ठिया परे अर्थात सी कैंडिडेट हला परे सुंदरगढ़ लोकसभा आसन तार इंपैक्ट रही तेणु इंपैक्ट लोकसभा उपरे कौन इंपैक्ट पड़ो लोकसभा आसन उपरे जानवा किपुर खाली गोटे जिस जानवाक चाहिए प्रीतिकांत आप जमी कहे दिलीप राय लोकप्रियता भी राउरकेला किसी कम नुहे से 2014 रु 2019 से विधायक मध्य होइथिले किंतु 2018 रु से कोठ ना कोठी राउरकेला राजनीति रु टिके दूर रे रहिछंती एवं अन्यपटे आपण देखंतु शारदा नायक से एबे विधायक अछंती 2019 रु से विधायक अछंती मंत्री मध्य अछंती एवं या भितरे राउरकेला रो अनेक डेवलपमेंट मध्य होइछि तो ये जो 2018 रु एबे 2024 जो गैप याकु कोठ ना कोठी एनकैश करबा को चेष्टा करबे कि शारदा प्रीतिकांत निश्चित भाव कारण जो डेवलपमेंट रही ये शारदा सपक्ष में जीव किंतु दिलीप राय जेहेतु अनुभवी नेता जदिओ 2018 रु पार्टी सहित से नहांती एक स्पष्ट भाव जना द्वितीय कथा संगठन सहित नहांती किंतु गत थर जदि आप ट्राक रेकर्ड देखिए भारतीय जनता पार्टी सेठी कैंडिडेट होते निहार राय सी 10,000 रु अधिक भोट रे हारी आउ गत थर अर्थात 2024 रे जदि आप देखिए दिलीप राय जो जीति से 10,000 रु अधिक भोट जीति अर्थात से दिलीप राय ठिया हूँ बा बदल निहार राय से कैंडिडेट हूँ आपणकर कांटेका टक्कर गोटे रही किंतु ये पांच वर्ष भितर जदि आप देखिए अनेक किसी ट्रांसफॉर्मेशन आसी विभिन्न क्षेत्र में आपन को दुई तीन टी कथा मुझे कहली किंतु आहरी रही अनेक जो विकासमूलक कार्यक्रम हो जहाँकि निश्चित भाव राउरकेला गोटे अलग स्वतंत्र सहर भाव में गढ़ी उठी स्मार्ट सिटी कथा कहतु ये सब क्षेत्र में अनेक किसी डेवलपमेंट हो पारी तेणु तार एनकैश निश्चित भाव में मंत्री शारदा नायक पाखे रही कितु अपरपक्ष देखिए जो अनुभवी नेता हूँ दिलीप राय तेणु दिलीप राय जिते सी पुणी थे कैंडिडेट हवाक जाऊँ तेणु ये क्षेत्र में गोटे कड़ा टक्कर राउरकेला देखा मिले आदो सन्देह ना कारण जो अनुभव रही जो अनुभूति रही विगत दिन में क्या 85 मसीह से विधायक हिसाब से निर्वाचित होती 90 रे निर्वाचित होती आपर आप जानते पुणी 2014 से विधायक हिसाब से निर्वाचित होती मंत्री भाव में कार्य कर शारदा नायक तीन दिन थर विधायक बिल्कुल प्रीतिकांत दिलीप राय अनुभव कथ जहाँ कहते हैं अनुभव को एनकैश करने को चेस्टा कर बीजेपी कारण आप गत निर्वाचन कथ देखु सुंदरगढ़ लोकसभा आसन सहित तीनिटी विधानसभा आसन हाते थिला बीजेपी किंतु राउरकेला बा स्टील सिटी जहाँ कि बेस गुरुत्व रखे ताकू हाते पारी नथिला बीजेपी तो एथरो दिलीप को फेराई आनी गोटे मास्टर प्लान करूची कि बीजेपी निश्चित भाव कारण आप देखिए गत थर लोकसभा आसन टी भारतीय जनता पार्टी हाते थिला किंतु ता सत्वे राउरकेला आसन टी हाते पारी नथिला तेणु ये क्षेत्र तो दिलीप राय भेटरन जने ओलेवा को जाउचंती निर्वाचन मैदान को ये भारतीय जनता पार्टी बल निश्चित भाव जोगे किंतु ये पांच वर्ष भीतर जेहेतु से कर्मी को सहित लोकों सहित जोड़ी ही नथिले ता पूर्व जिते थिले जो कथा से प्रतिश्रुति देथिले ता पूर्ण करि पार नथिले बोली जो से इस्तफा देथिले आपण 2018 कथा जदि आपण देखिबे सेतेबेले इस्तफा दबा पछर जो कारणटा लेखिथिले जे जो जो कारण पाई से प्रतिश्रुति दे कि लोक आसी निर्वाचित होते किंतु ताकू जदि देखिए पूर्ण कर पार नथिले जो से इस्तफा देते आउ परवर्ती समय एवं से पुणी थे सेठ कैंडिडेट हवाक जाऊँ विधिवत भाव घोषणा बाकी रही तेणु ये स्थित रे केते दूर तांकू सहायक हबो
କାରଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ରହିଛି ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପତିଆରେ ରହିଆସିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାରଦା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅନୁଭବୀ ନେତା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସଂଗଠକ ଏକଥା କାହାକୁ ଅଜଣା ଅଛପା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ବଡ ଲଢେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଇଏ ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପରେ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦୁଇ ଭେଟରନ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶାରଦା ନାୟକକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଯଦି ବା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳିସାରିଛି ଯେ ଆପାତତଃ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣାକୁ ବାକି ଏବଂ ଏମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଗୋଟେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ଶାରଦା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଟିକା ଟକ୍କର ହେବ ତେବେ ବାଜିମାତ କିଏ କରିବ ଇଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।